नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं नाउन इज वॉट नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते थे हम उनका एक स्पेसिफिक नेम देते थे जैसे इंडिया सो so, इंडिया एक स्पेसिफिक नेम था एक नाउन था रिया राम ये सब नेम थे और ये सब नाउन थे बट अगर हम उनकी जगह कुछ और वर्ड्स यूज करते हैं तो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं नाउ लेट लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल

रिया क्या था रिया एक नाउन था और वो किसी का नेम था वो इस गर्ल का नेम था लेकिन अगर मैं उसे प्रोनाउन में कन्वर्ट करती हूँ आई है सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रोनाउ लेट है लुक एट सम्स हिम अज ही शी आई वी इट दे इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं बिकॉज दे आर यूज इंसडेंट इन नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग किसी भी पर्सन एनिमल जगह या चीज की नेम की जगह पर हम इन्हें यूज करते हैं सो दैट इज वाई इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं आई होप इट इज क्लियर टू यू ट्राई टू रिकॉल द वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल नाउन बेटर नाउ लेट मूव अहेड नाउ लेट लेटे रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन हैज थ्री टाइप्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के थ्री टाइप्स होते हैं एक फर्स्ट पर्सन होता है सेकेंड पर्सन होता है देन थर्ड पर्सन होता है नाउ लेट लेटेस्ट रीड अबाउट द फर्स्ट पर्सन रिफर्स टू द स्पीकर फर्स्ट पर्सन उसके बारे में बात करता है जो स्पीकर है जिसने सेंटेंस बोला है दैट इज आई वी अस जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं हम सेटेंस बोल रहे हैं तो आई एम अ गर्ल सो आई कौन है स्पीकर जो बता रहा है कि मैं एक गर्ल हूं देन वी We are happy. सो वी कौन है हम लोग जो हम बता रहे हैं कि हम खुश हैं देन अस शी वॉज with अस हमारे साथ वो हमारे साथ थी तो हम कौन है हम बता रहे हैं कि वो हमारे साथ थी सो हम इज अ फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन नाउ लेट एस मूव टू द सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन डेफिनेशन दैट द स्पीकर ऑडियंस मतलब जिससे बात की जा रही है उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एक सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होता है दैट इज यू फॉर एग्जाम्पल यू सिट स्ट्रेट तुम सीधे बैठो सो टू हूम आई एम सींग मैं किससे कह रही हूँ सीधे बैठो यू तुमसे सो यू इज वॉट इज अ सेकेंड पर्सन जब हम जिससे बात कर रहे हैं अगर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज यू नाउ लेट लेटे मूव टू दर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन से दैट द पर्सन स्पोकन अबाउट वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं दीज आर ही शी इट एंड दे फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय हम किसके बारे so so में बात कर रहे हैं ही एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं सो दैट ही विल बी थर्ड पर्सन शी इज अ गुड डांसर वो एक अच्छी डांसर है सो शी क्या हुआ थर्ड पर्सन क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं नाउ इट इज अ पेन सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन तो इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो इट क्या होगा इट थर्ड पर्सन को रेफर करेगा और इट एक पर्सनल प्रोनाउन होगा ना दे आर माई गुड फ्रेंड्स वो मेरे गुड फ्रेंड्स है वो मेरे अच्छे दोस्त है सो so, दे मैं उनके बारे में बता रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सो देट इज वाई दे ऑल्सो बी अ थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन्स So, these are the types of pronouns. I hope you understand and enjoy the session. Try to recall the video to understand the cassette. On the basis of it, we will be doing the exercises ahead. Till then, take care of yourself.